गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेसन है 15, जो एक कविता है संकल्प। तो इस कविता में हमें क्या बताया गया है कि एक बच्चे हैं स्कूल के, देखो ये पिक्चर में दिख रहा है, छोटे बच्चे हैं, वो एक संकल्प लेते हैं, यानी प्रण लेते हैं कि हम किसी गरीब लोगों को मदद करेंगे, कुछ करके दिखलाना है हमें। पहले तो विद्यालय में पढ़ना है, बड़ा होना है, फिर उसके बाद हमें ये सब गरीब लोग हैं, निराश्रित है, उसको हम सुख देंगे। जो लोग अंधेरे घर में बैठे हैं मुँह लटका के, उसको हम उसके आंगन में हम उद्यम का दीप जलाएंगे। और जो हार कर बैठ गए हैं, उम्मीद छोड़ दी है, उनके बुझे चिरागों में भी हम नवजोत जलाएंगे। हमें रोको मत आज़ादी के परवानों को, हम मातृभूमि की सेवा के लिए आगे निकल चुके हैं, हमें सर्वस्व चढ़ाएंगे मातृभूमि की रक्षा के खातिर। हम उन वीरों के बच्चे हैं जो आज़ादी के बिल्कुल सच्चे थे दिल के, उसके हम बच्चे हैं, तो हमें कुछ करना है। तो हम कविता में देखते हैं कि बच्चे क्या क्या संकल्प ले रहे हैं। यह चाह यही, संकल्प यही, हम कुछ करके दिखलाएंगे, विद्यालय में शिक्षा पाकर हम आगे बढ़ते जाएंगे। ये बच्चे हैं बहुत, उसके अंदर भावना है देशभक्ति के लिए, उसके अंदर जोश भरा है। यह चाह यही, संकल्प यही, हमारी चाह भी यही है, हमारा संकल्प भी है, हम कुछ करके दिखलाएंगे, विद्यालय में शिक्षा पाकर हम आगे बढ़ते जाएंगे। बच्चे हैं वो छोटे हैं, फिर उसके अंदर भावना बहुत बड़ी है। वो छोटे हैं, बोलते हैं कि हम विद्यालय में जाएंगे, खूब शिक्षा पाएंगे, यानी ज्ञान पाकर हम आगे बढ़ते जाएंगे। जो लोग गरीब निराश्रित है, जिन पर न किसी की छाया है, हम उनको गले लगाएंगे, हम उन पर सुख बरसाएंगे। जो गरीब लोग हैं, उस निराश्रित है, जिसका कोई आश्रय भी नहीं है और कोई उसको आश्रय देने वाला नहीं है, उसके हम जिन पर किसी की छाया यानी किसी का मदद करने वाला भी नहीं है, तो हम उसको गले लगाएंगे, हम उन पर सुख बरसाएंगे। जो लोग अंधेरे घर में बैठे हैं, जो लटके हुए अधर में है, उनके घर आंगन में दीप उद्यम का जलाएंगे। तो इसमें हमें बताया गया है कि जो लोग अंधेरे घर में, यानी जिसके घर में कुछ भी नहीं है और लटके हुए अधर में, वो अपने हाथ हार मान चुके हैं, जैसे कि बता रहे हैं कि उसके अपने आप ही हार मान लिए कि अब हमारा कुछ नहीं हो सकता, अंधेरे घर में जाकर जैसे उसको नसीब ही नहीं है, इसी तरह घर में बैठ जाते हैं और अपने आप ही अपने बंद कर लेते हैं। और उसके घर आंगन में हम उद्यम का दीप जलाएंगे। जो लोग कोई काम भी नहीं करते हैं और ऐसे ही बैठ जाते हैं मुंह लटका कर, और उसको हम उसके घर आंगन में उद्यम का दीप जलाएंगे, यानी मेहनत करने का दीप जलाएंगे, उसको जोश जगाएंगे उसके अंदर। जो लोग हार कर बैठे हैं, उम्मीद मार कर बैठे हैं, हम उनके बुझे चिरागों में फिर से नवजोत जलाएंगे। जो लोग हार मान चुके हैं कि अब हम कुछ नहीं कर सकते, हमारा कुछ नहीं हो सकता, उम्मीद छोड़ दी है उसने, ऐसे लोगों के अंदर जो एक आशा की किरण होती है, जो एक चिराग जलता है, वो बुझ चुका है। तो हम ऐसे लोगों के अंदर जो उम्मीद मार कर बैठ गए हैं, उसके अंदर हम बुझे चिरागों के जो इसके अंदर ज्योत थी वो बुझ गई है, उसको हम फिर से ज्योत जलाएंगे, नव ज्योत यानी फिर से नई ज्योत जलाएंगे। रोको मत आगे बढ़ने दो आज़ादी के परवानों को, हम मातृभूमि की सेवा में अपना सर्वस्व चढ़ाएंगे। देखो इस बच्चों के अंदर कितनी भावना है मातृभूमि के प्रति। वो बोल रहे हैं कि हमें रोको मत, हमें आगे बढ़ने दो आज़ादी के परवानों को। हम आज़ादी के परवाने हैं, यानी हम आज़ादी के दीवाने हैं, हम आज़ाद देश के बच्चे हैं, तो हम ये सब लोगों को मदद करना चाहते हैं, हम मातृभूमि की सेवा करने चाहते हैं, तो हमें हम अपना सर्वस्व चढ़ा देंगे। जान की परवाह किए बिना हम अपना तन मन धन लुटा कर भी हम मातृभूमि की सेवा करेंगे, ऐसी बच्चों की सोच है। हम उन वीरों के बच्चे हैं जो दिल से बिल्कुल सच्चे थे, हम उनका मान बढ़ाकर ही उनका कुछ कर्ज चुकाएंगे। जो हमारे देश के वीर जवान हैं, सिपाही हैं, जो कहीं शहीद हो गए हैं, वीर जवान यानी हमारे देश के जो रखवाले हैं, उन जो दिल के बिल्कुल सच्चे हैं, वो हमारे देश के
जो जवान होते हैं हमारी रक्षा करते हैं। आज भी आप देख रहे हो कि हमारी सरहद पर सैनिक दिन रात, धूप हो, बारिश हो या इतनी कड़ाके ठंडी हो, कड़ाके की ठंडी में जहाँ बर्फ गिर रही है वहाँ भी वो सच्चे दिल से ऐसे ही खड़े रहते हैं और हमारे देश की रक्षा करते हैं, जैसे हमारे देश में कोई दुश्मन नहीं आ जाए। तो ये इसीलिए हम अपने घरों में सुरक्षित और खुशी से रह पाते हैं। तो ये दिल के बहुत सच्चे हैं, सच्चे थे। और अपनी कई वीर ऐसे जवान हो, वीर जवान शहीद हो गए जो देश के लिए लड़ते लड़ते अपनी जान की परवाह किए बिना भी शहीद हो गए। तो हम उसे ऐसे ही सच्चे वीर जवानों के बच्चे हैं, उनका हम नाम बढ़ाकर ही उनका कर्ज चुकाएंगे। हम पर उसका कर्ज है, हम भी हार मानकर नहीं बैठेंगे। जो अपने देश के लिए कुछ कर गए हैं उनके आगे उनका नाम, उनका मान भी आगे हम बढ़ाते ही रहेंगे और उसका इसी तरह हम उसका कर चुकाएंगे। तो बच्चों, आपने देखा ना इस कविता में कि छोटे छोटे बच्चे हैं उसके अंदर देश के लिए कितनी भावना है। देश के जो लोग हैं हार मानकर बैठ गए हैं, गरीब लोग हैं, इन सबको ये कुछ न कुछ मदद करना चाहते हैं और उसके अंदर उद्यम का दीप जलाकर उसको आगे बढ़ने के लिए कहते हैं। और ये आज़ाद देश के मातृभूमि के लिए कुछ न कुछ सर्वस्व चढ़ाकर करना चाहते हैं। तो इससे हमें क्या सीख मिलती है? जब हम सभी की उन्नति का संकल्प लेंगे तभी देश का विकास होगा। देखो, ये बच्चों के अंदर निस्वार्थ भावना है कि हम सभी की उन्नति का, सब लोग है, कोई गरीब लोग होते हैं, कोई अमीर होते हैं, कोई अनपढ़ है, कोई हार मानकर बैठ गए, किसी के पास पूरी काम करने की शक्ति है पर उसको काम नहीं मिल रहा है तो वो ऐसे ही बैठ जाते हैं। तो उसके अंदर दीप आशा का दीप है वो बुझ जाता है और उस ऐसे लोगों को हम आगे बढ़ने के लिए कहेंगे और उद्यम करने के लिए बोलेंगे। और सभी लोगों की उन्नति होगी तभी हमारे देश का विकास होगा। कोई गरीब रह जाएगा तो उसके सामने कोई नहीं देखेगा। तो ऐसे तो देश के कई लोग हैं जो गरीब है, किसी के पास कुछ काम नहीं है। तो हमें ऐसे ही लोगों की मदद करनी चाहिए जो उसके अंदर काम करने की शक्ति है, ज्ञान भरा पड़ा है पर उसके पास धन की कमी होती है। तो आर्थिक तंगी के कारण भी कोई लोग आगे नहीं बढ़ सकते, ऐसे लोगों को हम आगे बढ़ाएंगे और पूरे देश का विकास करने में हमारा सहयोग होगा, ऐसे बच्चे बोल रहे हैं। हम आगे देखते हैं शब्द अर्थ। संकल्प प्रण वो वो डिटरमिनेशन DETERMINATION डिटरमिनेशन विद्यालय स्कूल SCHOOL स्कूल शिक्षा ज्ञान एजुकेशन EDUCATION एजुकेशन सेवा खिदमत सर्विस SERVICE सर्विस सर्वस्व संपूर्ण सब कुछ एवरीथिंग EVERYTHING एवरीथिंग निराश्रित जिनके पास कोई आश्रय न हो यानी कि रहने की जगह न हो वो डिपेंडेंट नीडी DEPENDENT दूसरा है NEEDY नीडी वीर बहादुर ब्रेव BRAVE ब्रेव उद्यम श्रम मेहनत हार्डवर्क HARDWORK हार्डवर्क नव नवीन नई न्यू NEW न्यू ज्योत ज्योति प्रकाश फ्लेम ऑफ लाइट FLAME OFLIGHT फ्लेम ऑफ लाइट कर्ज ऋण डेब्ट DEBT डेब्ट गरीब निर्धन पुअर POOR पुअर। इसके बाद हम देखते हैं स्वाध्याय। कविता को ध्यानपूर्वक पढ़कर निम्नलिखित पंक्तियाँ पूरी कीजिए। तो
तो ये काव्य पंक्ति है, इसको आप अच्छी तरह से लिखना और पढ़कर लर्न करना, ये परीक्षा में भी आ सकती है। यह चाह यही संकल्प यही, हम कुछ करके दिखलाएंगे, विद्यालय में शिक्षा पाकर हम आगे बढ़ते जाएंगे। फिर दूसरा क्वेश्चन, सही उत्तर में राइट का निशान लगाइए। कवि बुझे चिरागों में क्या जलाने के लिए कह रहे हैं? नवजोत मशाल दिया, तो उसका आंसर है नवजोत। फिर है दूसरा क्वेश्चन, कवि किसकी सेवा में सब कुछ चढ़ाने के लिए कह रहे हैं? परिवार की, मातृभूमि की, के सच्चे मित्र की, तो उसमें आएगा मातृभूमि की। अब है तीसरा क्वेश्चन, जो प्रश्न के उत्तर है, इस कविता में किसको गले लगाने के लिए कहा गया है? तो इस कविता में गरीब और निराश्रित लोगों को गले लगाने के लिए कहा गया है। दूसरा क्वेश्चन, कवि क्या क्या करने का संकल्प कर रहे हैं? कवि गरीब लोगों की सहायता करने, मातृभूमि की सेवा करने और वीरों का मान बढ़ाने का संकल्प कर रहे हैं। अब हम देखते हैं भाषा ज्ञान। दिए गए शब्दों के सार्थक समानार्थक शब्दों में राइट का निशान लगाइए। तीन यहाँ शब्द दिए हैं हमें और एक शब्द के समान अर्थ कौन सा है उसको, उसके ऊपर हम राइट लगाएंगे। तो शब्द दिया है छाया, सामने है छांव, धूप, सर्दी, तो उसमें सही शब्द है छांव। फिर है घर, पथ, गृह, शहर, तो उसमें से गृह वो सही शब्द। शिक्षा, तो उसका अशिक्षा, पठन या ज्ञान, तो उसका सही शब्द है ज्ञान। फिर है संकल्प, तो प्रण, चाह, जोश, तो सही शब्द है प्रण। फिर है अर्थ में अंतर समझिए। देखो यहाँ दिया है वो तो आपको खास देखना है कि इसमें क्या कहा गया है। जो इसमें है, इसमें है और, तो तरफ, और तथा, तो एक और है उसके ऊपर ओ की मात्रा लगी है और दूसरा है उसके ऊपर औ की मात्रा, तो एक और है तरफ, तो उसको हम जो देखो उसके दोनों बोलने में एक ही जैसे लगते हैं पर दोनों के अर्थ है वो अंतर है दोनों के अर्थ में। एक और है उसका है तरफ और दूसरा है उसके ऊपर है तथा। फिर है नीर और नीड, देखो दोनों बोलने में सिर्फ र और ड का ही फर्क है, फिर दोनों का अर्थ अलग है। नीर है उसका पानी होगा और नीड है उसका घोंसला, पक्षियों का रहने का जो रहने की जगह। एक है मूल और एक है मूल्य, तो मूल और मूल्य बोलने में समान लगते हैं, थोड़ी सी गलती हो जाती तो पूरा अर्थ चेंज हो जाता है। देखो मूल है वो जड़, जड़ यानी पेड़ की जड़ होती है ना जमीन के अंदर, उसको मूल बोलते हैं, और मूल्य कीमत, किसी वस्तु की हम कीमत चुकाते हैं तो उसको मूल्य बोलते हैं। अंतर और अंदर, त और द, दोनों का सिर्फ द और त का ही फर्क है, तो उसके देखो अंतर है उसका मतलब है फर्क और अंदर है उसका है मतलब भीतर। तो दिए गए शब्दों की सहायता से वाक्यों को पूरा कीजिए। देखो यहाँ खाली जगह दी गई है, एक के अंदर दो खाली जगह है और यहाँ सामने बॉक्स है उसके अंदर और अंतर अंदर, नीड नीर, मूल मूल्य, ये शब्द दिए हैं। तो हम इसको कैसे लगाते हैं, देखो हम विद्यालय में शिक्षा पाएंगे और आगे बढ़ेंगे, हम जला उजाले की ओर जाएंगे। जो एक और है उसका मतलब है तरफ और एक है वो उसका मतलब है और, तो उसके अंतर बताते हैं। तो इसी तरह दूसरी देखते हैं खाली जगह, हमें अमीर गरीब में खाली जगह नहीं करना चाहिए, तो उसके अंदर आएगा अंतर। बच्चों के खाली जगह जोश भरा है, तो अंदर, बच्चों के अंदर जोश भरा है। झरने का खाली जगह मीठा था, तो उसमें आएगा नीर। और चिड़िया के खाली जगह में अंडे थे, तो नीड। तीसरी, इस साइकिल का खाली जगह क्या है, तो मूल्य। इस पौधे को खाली जगह सहित लगाओ, मूल। दिए गए शब्दों के समानतुक वाले शब्द छांटकर लिखिए। जो रेमिंग वर्ड हम बोलते हैं उसी तरह रेमिंग वर्ड में है, यही, कहीं, वहीं,
यहाँ सर्कल दिया है उसके अंदर शब्द है उसमें से ही हम यहाँ लग ढूंढ कर लिखना है। वह बरसाएंगे, जलाएंगे, लगाएंगे, सेवा, कलेवा, मेवा, बच्चे, सच्चे, कच्चे, छाया, काया, माया। अब आखिरी क्वेश्चन चौथा, दिए गए मुहावरों के अर्थ समझकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। पहला है कमर कसना, उसका अर्थ है किसी काम के लिए तैयार होना, तो उसका वाक्य इस तरह बनेगा। आपको पता है ना मुहावरे कैसे होते हैं, मुहावरा है वो एक ऐसा वर्ड है वो जो वाक्य को सुंदर बना देता है। तो यहाँ किसी काम के लिए तैयार होना हम ऐसे बोलते हैं, पर उसका छोटा मतलब निकालते हैं और उसको सुंदर तरह से कमर कसना बोल सकते हैं। तो उसको हम वाक्य में इस तरह प्रयोग कर सकते हैं, परीक्षा नज़दीक आने वाली है इसीलिए मैंने कमर कस ली है। फिर दूसरा है फूले न समाना, बहुत खुश होना, तो इसका वाक्य है कक्षा में प्रथम आने पर राजा फूले न समाई। फिर है तीसरा लोहा मानना, उसका अर्थ है प्रभाव स्वीकार करना, अंग्रेजी विषय में पूरी कक्षा डगल्स का लोहा मानती थी। फिर है लास्ट पेट में चूहे कूदना, तो बहुत भूख लगना। फिर वाक्य है मम्मी जल्दी खाना दो, मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। तो यहाँ हमारा पाठ खत्म होता है। और बच्चों ये आपको समझने में अच्छी तरह से मज़ा आया होगा, और ये कविता आप बार बार पढ़ना और लर्न करना तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तब तक के लिए बाय।